हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से। लेकिन अभी अभी एक बहुत बुरी खबर आई है कि हमारे जो एक दिग्गज एक्टर थे इरफान खान, उनका मुंबई में निधन हो चुका है। और एक कैंसर से पीड़ित थे वो बहुत टाइम से, मतलब 2018 से वो कैंसर से लड़ रहे थे। उनको अपने कैंसर का पता 2018 में चला था, जिसका नाम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था उस टाइम। लेकिन जब वो एडमिट हुए थे कैंसर की वजह से, तो उस टाइम वो ठीक हो गए थे। उस टाइम वो फाइट जीत गए थे एक तरीके से कैंसर की। लेकिन इसके बाद दोबारा से अभी 2020 में, अभी हाल ही में दोबारा से वो ICU में भर्ती थे। उनको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और उन्होंने साथ साथ एक वीडियो भी जारी है जिसमें बोला है कि मेरे अंदर कुछ कीड़े हो गए हैं जिससे मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ। और एक ऑडियो में उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ से हार चुका हूँ और मैं अपने हिस्से से नहीं जीत पाऊँगा। और इसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो मुंबई में एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और फिलहाल उनका निधन हो चुका है। उनके मैनेजर ने कन्फर्मेशन ऑडियो जारी किया और एक ट्वीट भी किया है कि हाँ, इरफान खान हमारे बीच अब नहीं रहे और अब वो जन्नत में जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर है हमारे लिए कि इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।